मोदी ने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अहम बैठक की। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दलित सांसदों की नाराजगी पर बात हुई। बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, छोटेलाल, डॉक्टर यशवंत सिंह, अशोक दोहरे और बाबूलाल चौधरी ने केंद्र और यूपी सरकार पर दलितों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ ये सांसद पीएम मोदी को चिट्ठी लेकर नाराजगी जता चुके हैं। बीजेपी दलित समुदाय और अपनी पार्टी के दलित सांसदों की नाराजगी को हल्के में नहीं लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इन्हीं सब मुद्दों पर योगी के साथ चर्चा की। योगी आदित्यनाथ सिर्फ दलित सांसदों के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम केपी मौर्य से भी उनके रिश्ते अच्छे न होने की बात सामने आ रही है। हालांकि केपी मौर्य ने जी न्यूज से खास बातचीत में सीएम योगी से मतभेद की बात को खारिज किया है। ऐसा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत परिश्रम करने वाले हैं, दिन रात दौड़ते हैं प्रदेश के विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए समर्पित रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने भी दलितों पर हो रही ज्यादतियों का विरोध किया है। उदित राज ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि भारत बंद में शामिल होने वाले दलितों को पुलिस परेशान कर रही है।